जिसमें वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना फैसला मुशावरत से करेगी। पहले भी डिप्टी चेयरमैन बलोचिस्तान से लिया था। रजा रबानी पार्टी के सीनियर रहनुमा है। आसिफ जरदारी ने अभी रजा रबानी को रिजेक्ट नहीं किया। जाती राय से ज्यादा पार्टी की राय अहम है। पार्टी का जो भी फैसला होगा हतमी होगा। इमरान खान चाहते हैं चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान से हो। इमरान खान को पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की ऑफर का जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी की अक्सरियत अपोजिशन को मिलाकर बनेगी। इमरान खान की वजह से नवाज शरीफ मजीद मजबूत होंगे। निगरान वजीर आजम के लिए भी काम जारी है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के बयान के हवाले से आपको बता रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी अपना फैसला मुशावरत से करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी डिप्टी चेयरमैन बलोचिस्तान से लिया था। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान से चेयरमैन और फाटा से डिप्टी चेयरमैन सेनेट लाने के लिए मैदान में है। रजा रबानी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। खुर्शीद शाह ने कहा कि आसिफ जरदारी ने अभी रजा रबानी को रिजेक्ट नहीं किया है।